की राजनीति में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अब खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की राजनीति में वापसी होने जा रही है। वे पिछले लगभग एक साल से बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण राजनीतिक गतिविधियों से दूर थे। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर 1999 को तत्कालीन पाक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। परवेज मुशर्रफ के लौटने से पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पूर्व सैन्य शासक ने 6 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजनीति में लौटने की योजना बनाई है। मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। 76 साल के जनरल मुशर्रफ पर संविधान को निलंबित करने के लिए राजद्रोह के मामले का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें 2014 में दंडित किया गया था। पाकिस्तान में उच्च राजद्रोह के लिए एक दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाता है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संस्थापक मुशर्रफ ने पिछले साल अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण राजनीतिक गतिविधियों से किनारा कर लिया था। मुशर्रफ अपनी हालत में सुधार के बाद अब वापसी की योजना बना रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति पूरे शरीर में अंगों और उत्कों में एमोलाइड नामक एक असामान्य प्रोटीन के निर्माण के कारण होने वाली दुर्लभ बीमारी एमोलाइडिसिस से पीड़ित हैं। मुशर्रफ 6 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस्लामाबाद में पार्टी के 9वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणाएं भी कर सकते हैं। 1999 से 2008 तक पाकिस्तान पर राज करने वाले मुशर्रफ को बेनजीर भुट्टो की हत्या और लाल मस्जिद के मौलवी की हत्या के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 8 अक्टूबर से देशद्रोह के मामले में सुनवाई शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने दिसंबर 2013 से लंबित मामले की रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की पिछली मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ नवंबर 2007 में संविधान को निलंबित करने और इमरजेंसी लगाने के खिलाफ देशद्रोह का मामला दायर किया था। विशेष अदालत में जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस शाहिद करीम की बेंच ने मंगलवार को देशद्रोह के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की है। विशेष अदालत के निर्देश पर कानून मंत्रालय द्वारा मुशर्रफ के वकील के तौर पर राजा बशीर को नियुक्त किया है।